तो सत्ता तो रावण का भी था, सोने की लंका थी, इनका अब सोने का लंका तो नहीं है। कि सत्ता तो किस तरह से प्राप्त हुआ है सो भी बिहार की जनता देख रही है। सत्ता न होने होने से नहीं होता है, कुछ होता है तो चरित्रबल से होता है, जो चरित्रबल उनके पास नहीं है। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की, तो बागेश्वर बाबा आएंगे, है किसी को दम जो दूसरे धर्म के लोग जो काफिरों के बारे में क्या समझ रखते हैं, एक लाइन बोलेंगे। ये वोट की राजनीति देखिए, यही तो है कि हिंदुओं का वोट जात पात करके ले लो और मुसलमानों का थोक वोट ले लो, मुसलमान को भी ठग करके। आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे तो आज 0 MP की पार्टी है RJD। आडवाणी जी की पार्टी कहाँ है, ऐसा गलती भूल के भी न करें। तो 0 का तो अस्तित्व भी होता है, -0 में चले जाएंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार यह कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में हम घुसने नहीं देंगे। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो करते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर हम घेरने का काम करेंगे। तो वहीं तेज प्रताप यादव DSS नामक एक अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, तो वहीं लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तेज प्रताप यादव का कल एक बार फिर से बयान आया है जहां पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं ना कहीं हम रोकने का काम करेंगे और हम सत्ता में हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरिभूषण जी, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर तेज प्रताप यादव तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको रोकने का हम काम करेंगे। कल उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में हैं, हम रोकेंगे। सत्ता तो रावण का भी था, सोने की लंका थी, इनका अब सोने का लंका तो नहीं है। कि सत्ता तो किस तरह से प्राप्त हुआ है सो भी बिहार की जनता देख रही है। सत्ता न होने होने से नहीं होता है, कुछ होता है तो चरित्रबल से होता है, जो चरित्रबल उनके पास नहीं है। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की, तो बागेश्वर बाबा आएंगे, उनके समर्थक उनको सुनने जाएंगे, और जिसको रोकना है तो फिर समय तो सन्निकट है, बहुत जल्द आने वाला है, देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन बाबा आएंगे, बाबा का प्रवचन होगा और सब देखते रह जाएंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी जाएंगे बाबा का प्रवचन? निश्चित जाएंगे। जो भी सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाला व्यक्ति है उसके समर्थन में हम लोग हैं, और उनका बात सुनने भी, उनका प्रवचन सुनने भी जाएंगे। बिहार के नेताओं के द्वारा लगातार यह टिप्पणी की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि बाबा धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, साथ में BJP भी यही काम करती है। किसी को दम जो दूसरे धर्म के लोग जो काफिरों के बारे में क्या समझ रखते हैं, एक लाइन बोलेंगे। ये वोट की राजनीति देखिए, यही तो है कि हिंदुओं का वोट जात पात करके ले लो और मुसलमानों का थोक वोट ले लो, मुसलमान को भी ठग करके और सत्ता में बने रहो। तो ये युग बीत गया। अब विवेकानंद जी कहे थे 150 वर्ष पहले कि अंधा देख नहीं सकता है, अबारा सुन नहीं सकता है। तो हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, ये लोग अंधे हैं, नहीं देख रहे हैं, समय के काल के चक्र में ये लोग कहाँ चले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि जिस तरीके से आडवाणी ने हिंसा फैलाने का काम किया, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कोशिश की थी आडवाणी ने कहीं ना कहीं नफरत पैदा करने का, इसको देखते हुए अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा गलती करें भी ना, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे तो आज 0 MP की पार्टी है RJD। आडवाणी जी की पार्टी कहाँ है, ऐसा गलती भूल के भी न करें। तो 0 का तो अस्तित्व भी होता है, -0 में चले जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, और उनका जो वो मंत्री बने हुए हैं वो भी सपना हो जाएगा। इसीलिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बंद करें वोट के लिए।
मेरा यही सुझाव है उनको। तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है महागठबंधन की, इसमें कहीं शंका लगता है कि तुष्टिकरण के लिए दूसरे धर्म गुरु आते हैं, दूसरे धर्म के न जाने क्या क्या बोलते हैं, हम लोग तो माने भी नहीं समझते हैं, ये तो जो बोलेंगे हिंदी में दुनिया भी समझेगी, और उर्दू फारसी में बोल करके क्या चला जाता है, क्या भड़का करके चला जाता है, बोलेंगे वोट के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये तो अब सनातन संस्कृति के भी लोग जग गए हैं, समझे नहीं, आप देखिए हम लोग तो देख रहे हैं, उनके वोटर में भी काफी आक्रोश है, जो आप कैसे रोक दीजिएगा। 13 तारीख को बाबा बिहार आ रहे हैं, भाजपा कैसे स्वागत करेगी धीरेन्द्र बाबा? भारतीय जनता पार्टी पार्टी स्वागत नहीं करती है, पार्टी के लोग जो हैं, समर्थक जो हैं, वो बाबा के भी समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, धार्मिक पार्टी नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि धर्म को जो लोग दूसरे चश्मा से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चश्मा से देखती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये सनातन संस्कृति और धर्म ये जो है ये भारत के कण कण में बसा हुआ है, और इससे भारत को लाभ मिला है दुनिया में, इसी से इसकी पहचान बनी है। तो सनातन से कहीं ना कहीं लाभ मिला है पूरे दुनिया में, और कहीं ना कहीं यही सनातन की संस्कृति है। हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, भाजपा से विधायक है, तो वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से आडवाणी को रोकने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजद के एक भी MP नहीं है, और जिस तरीके से धीरेन्द्र बाबा बिहार आ रहे हैं उनको अगर रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं शून्य पर वो आउट हो जाएंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह साफ कहा है कि भाजपा के समर्थक हो या फिर बिहार की जनता हो या फिर देश की जनता हो, धीरेन्द्र बाबा का स्वागत करती है, तो वहीं उनके आगमन को लेकर काफी खुशी है पूरे बिहार में, पूरे देश में। क्या कुछ कह रहे थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, आपने सुना है, तेज प्रताप यादव हो या फिर बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे तमाम बातें आपने सुनी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।